दोस्तों आपने वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने भारत देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है और चिंताजनक भी है, तो मेरी आपसे विनती है इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके पास आते रहें। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत चीन से क्या क्या चीज़ें खरीदता है। भारत चीन से खिलौने, बिजली उत्पाद, कार और मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक्स, दवाई, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों का आयात भारत करता है। दोस्तों इन सब उत्पादों को हम खरीदेंगे तो इसका सारा प्रॉफिट चीन को जाएगा और फिर धीरे धीरे हम चीन के उत्पादों पर ही पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे और भारत फिर से गुलाम बन जाएगा। हम सस्ते उत्पाद खरीदने की आड़ में हम भारत को एक तरफ से कमज़ोर बना रहे हैं। यदि आप भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो चीन के उत्पादों का बहिष्कार कीजिए और सस्ते उत्पादों के चक्कर में भारत को कमज़ोर ना बनाए। दोस्तों यदि हम बात करें चीन की तो चीन भी पहले भारत की तरह गुलाम रह चुका है, लेकिन फिर चीन के लोगों ने चीन का साथ दिया और सभी के सहयोग से चीन आज इतना शक्तिशाली देश बन गया है। चीन के लोगों ने अपने ही देश में बने उत्पाद का उपयोग किया। यदि हम अब की बात करें तो चीन स्वदेशी ऐप्स और स्वदेशी सर्च इंजन का यूज करता है, यानी चीन अपने देश में बने ऐप्स को यूज करता है और गूगल की जगह अपने द्वारा बनाए गए सर्च इंजन baidu.com को यूज करता है और चीन फेसबुक की जगह renren.com और व्हाट्सएप की जगह वीचैट का यूज करता है ताकि उनके लोगों का डेटा उन्हीं के पास रहे, किसी दूसरे देश के पास ना जाएं। और जबकि भारत में यूज होने वाले अधिकतर मोबाइल ऐप्स चाइना के हैं जो हमारे पर्सनल डेटा को चाइना में भेजते हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। चाइना के ऐप्स जो हमें 100-200 रुपए का झांसा देकर इन ऐप्स को डाउनलोड करवाते हैं और हमें इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए कहते हैं कि इतने दिन यूज करो और इतने पैसे कमाओ। दोस्तों ये रही चाइनीज ऐप्स की लिस्ट जिन्हें आप अभी अनइंस्टॉल करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, OnePlus, IQOO3, लेनोवो, कूलपैड आदि मोबाइल्स कंपनी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब मोबाइल ब्रांड्स चाइना के हैं। इनमें से आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदो, प्रॉफिट चाइना को ही जाएगा। और दोस्तों यदि आप इन मोबाइल कंपनी के फ़ोन को ख़रीदना बंद कर देंगे तो हमारे भारत देश का एक मोबाइल ब्रांड बनेगा, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब हम सब एकजुट होकर ये काम करें। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के खिलौना उद्योग को हुआ है। चाइनीज़ खिलौनों की लागत इतनी कम है कि कोई भी भारतीय कंपनी चीन की प्रतियोगिता का मुकाबला करने में असमर्थ है। पिछले साल भारतीय खिलौनों में केवल 20% बाज़ार पर भारतीय कंपनी का अधिकार था, बाकी के 80% बाज़ार पर चीन और इटली का कब्जा था। SOCHM के अध्ययन के अनुसार पिछले 5 सालों में 40% भारतीय खिलौना बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी हैं और 20% बंद होने की कगार पर हैं। चीन ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की भी कमर तोड़ के रख दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिवाली के मौके पर घर घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की लड़ी है। इसके अलावा बिजली का लगभग हर सामान भारत के बाज़ारों में भरा पड़ा है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या भारत चीन के उत्पादों को भारत में आने से रोक सकता है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है, WTO के नियम के अनुसार अब किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे संबंध कैसे भी हों। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को भेजता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज़्यादा नुकसान चीन का ना होकर भारत का और उसके निवासियों का होगा। चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद करना भी भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादातर चीज़ें चीन से ही आती हैं जो कि सस्ती होती हैं।
यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा भी दी तो भी इतनी जल्दी इन चीज़ों का उत्पादन भारत में शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अधिक समय और अधिक निवेश की ज़रूरत होती है। WTO नियम के कारण भारत चीन के सामान पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तो नहीं लगा सकता, लेकिन भारत चीन के सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ज़रूर लगा सकता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पाद उनका मुकाबला कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी की वजह से भारत में सामान नहीं बेचते हैं तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में बनाना शुरू करेंगे, जिससे हमारे देश में रोज़गार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारतीय बाज़ार में जितनी बड़ी मात्रा में चाइना का सामान मिलता है उससे तो सिर्फ यही लगता है कि चीन के उद्योगपतियों ने भारत में मनाए जाने वाले हर त्यौहार, उत्सव, समाज, आयु वर्ग, विभिन्न प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाई है और फिर उन्होंने यह उत्पादन शुरू किया है। तभी तो हमारे देश में होने वाली हर शादी, त्यौहार, जन्मदिन, होली, दिवाली सभी अवसरों के लिए मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर हर दुकान और नुक्कड़ पर मिलता है। अब हालातों को देखते हुए इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार नहीं बल्कि भारत के लोग अवश्य रोक सकते हैं। हम भारतीयों को थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली वाली विचारधारा को अपनाना ही होगा, तभी हमारे देश के हाथ मजबूत होंगे। दोस्तों, यदि आप भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो चाइना के हर एक प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए। और मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप अपने हर एक दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका बनता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम में अपना योगदान दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास लगातार आते रहें और मैं ऐसे वीडियो लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।